प्रभु ने कितनी दया की है भाई बहनों के कान दिए हैं, जीवा तनक सा भी नमक ज्यादा हो जाए सब्जी में तो जीव एक सेकंड में बता देती है भाई नमक ज्यादा हो गया, कम हो जाए उसका भी ज्ञान जीव दे देती है। जीव जिनकी नहीं रहती सुन्न हो जाती यानी सूख जाती है, कल भी बताया था, उनके स्वाद खत्म हो जाते हैं हर चीज का। कंठ ना होता तो कैसे बोलते, माँ दादी पिताजी पापा जी गुरु जी चाची आंटी भुआ भतीजे अ आ इ ई उ ऊ ये सब खत्म हो जाता, होके भी नहीं रहता। कई बच्चों की जीभ तो होती है पर वो जीभ जड़ रहती है शून्य, उनको लोग गूंगा कहते हैं। नाक ना होती तो मोगरा की खुशबू ना समझती, गुलाब की खुशबू ना समझती, रात रानी की खुशबू नहीं समझती। यद ब्रह्मम कृत्वाम बातान भूतानाम यथा पुरुषम आते हुए समाहारम न दिव्यांत युक्ते न भवता प्रसिद्ध। इसलिए कम से कम रात में सोते समय भगवान का अवश्य धन्यवाद करके सोना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों को प्रभु ने हमें दिया है। ये इंद्रियां रात में शिथिल हो जाती हैं, मर जाती हैं, सो जाती हैं, जड़ हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। सुबह सुबह ये इंद्रियां जागृत होकर के अपने काम पे लगें, ये परमात्मा को कहकर सोना चाहिए। दिन भर का काम आदमी रात को करके सोता है, बर्तन भांडे झाड़ू पोछे सब काम निपटा के सोते हैं महिलाएं। जिनके घर में रात के भांडे कूंडे पड़े रहते हैं, किचन में साफ सफाई नहीं रहती है, कोई झूठे कूठे बर्तन छोड़ देते हैं, उन महिलाओं को लोग कुलक्षिणी कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते। हमारे खानदानों में हमारे कुलों में परिवारों में जो महिला रात का काम साफ सफाई करके ही विश्राम में जाती हैं उनको हम बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा नाम देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। दिन भर के बर्तन शाम तक पड़े रहते हैं चल जाते हैं, पर रात के बर्तन सुबह पड़ते हैं तो वो शोभा से रहित होता है। यदंतोन युक्तान भूतानाम तद पुरुषः। जिनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है वो आंखों की महिमा समझे, चश्मा लगा के भी अक्षर पढ़ने में नहीं आता है तो आदमी चिंतित हो जाता है, अब क्या होगा, चश्मा का पर्याय भी समाप्त होने लगा तो आदमी व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है, हकीम के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, आंख के वैज्ञानिक के पास जाता है, वहां भी समाधान नहीं निकलता है तो उसके पास में केवल भगवान बचता है। और फिर भगवान भी पीछा छोड़ देते हैं तब उसके पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय दुखी होने के, मजबूर होने के। धरती से चंद्रमा को देखने वाली आंखें दुनिया में कोई विज्ञान नहीं बना सकता। विज्ञान ने बहुत सारी रेडिएशन बनाए हैं, शीशे बनाए हैं, दर्पण बनाए हैं जिनसे हम तारों को देखते हैं आंखों पे लगा के, पर ध्यान करना
जिनकी आंखों में रोशनी है वही सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं, दूरबीन का प्रयोग कर सकते हैं। जिनकी आंख नहीं है वो दूरबीन से भी देख सकते नहीं महाराज। अच्छा, जिनको जन्म से आंख नहीं उनके ऊपर कितनों भी नंबर को चश्मा चढ़ा दो उनको ना दिखे। बीक कमजोर, आंख में चश्मा काम करता है, इसलिए लोग हिंदी में नहीं बोलते, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई साइड बीक हो गई है। अब महात्मा इंद्रदेव यहां से शुरू हो रहे हैं, ये तो शास्त्र की बातें हैं, अब मेरी बातें हैं, आपके प्रति मेरी जो भावना है उसे प्रस्तुत करने का टाइम आ गया है, वो मैं कर रहा हूं। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज को प्रभु ने दिया है और दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, तो फिर हम उस दाता को क्यों प्यार नहीं करते, बस ये पूछना है।